गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से आप लोग का साइंस का क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक है, आज से साइंस का भी क्लास स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1 को देखेंगे। आप लोग को साइंस में जल्दी थोड़ा मीनिंग इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें 20 मीनिंग लिखवाएंगे, यानी कि एक दिन में 20 मीनिंग हम लिखवाएंगे आप लोग को। और आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, अपना पेंसिल वगैरह ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, एक दिन में हम लोग 20 मीनिंग को देखेंगे, क्योंकि ये लेसन आप लोग का क्या है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बड़ा रहने के कारण हम मीनिंग एक बार आप लोग को ज़्यादा लिखवाएंगे, आप लोग को ज़्यादा याद भी करना होगा। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग। स्किन मीन्स क्या होता है, त्वचा। आप लोग ढंग से और साफ साफ लिखिएगा, बिल्कुल साफ साफ। कवर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, कवर्ड मीन्स होता है ढका हुआ, ढका हुआ। नंबर 3 में लिखेंगे। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना, प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जर्म्स। जर्म मीन्स क्या होता है, रोगाणु या कीटाणु भी कह सकते हैं। नंबर 5 में आप लोग जल्दी जल्दी लिखिएगा। फील, फील मीन्स क्या होता है, महसूस। क्या होता है, महसूस। आप लोग जल्दी जल्दी लिखिएगा बच्चों, साफ साफ। ठीक है, नंबर 6 में है टच। टच मीन्स क्या होता है, स्पर्श करना, स्पर्श या छूना, स्पर्श या छूना। अगला में आते हैं अस्क्लप। अस्क्लप मीन्स क्या होता है, अस्क्लप मीन्स होता है खोपड़ी, अस्क्लप मीन्स क्या होता है खोपड़ी। नंबर 8 में पैटर्न मीन्स क्या होता है बच्चों, पैटर्न मीन्स होता है नमूना, पैटर्न मीन्स होता है नमूना, पैटर्न मीन्स क्या होता है नमूना। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। नंबर 9 में, और अगर मान लीजिए वीडियो भागने लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक है, थंब मीन्स क्या होता है, थंब मीन्स होता है अंगूठा। उसके बाद है फिंगर, फिंगर मीन्स क्या होता है बच्चों, फिंगर मीन्स होता है अंगुली, अंगुली। 11 नंबर में आते हैं, 11 नंबर में है रॉबर। रॉबर मीन्स क्या होता है बच्चों, रॉबर मीन्स होता है डाकू। क्या होता है, डाकू। नंबर 12 में स्टील मीन्स क्या होता है, चुराना, STEAL। स्टील मीन्स होता है क्या, चुराना। नंबर 13 में आते हैं, नंबर 13 में सी में होता है, सी मीन्स क्या होता है बच्चों, सी मीन्स होता है देखना। ठीक है, इस तरह से आप लोग का 13 मीनिंग हम लिखवा चुके हैं। 20 मीनिंग लिखवाने के लिए बोले थे आप लोग को, 7 मीनिंग और लिखवाएंगे आप लोग को। आप लोग साफ साफ और सुंदर सुंदर नोट कीजिएगा, और सभी बच्चे साइंस का एक अलग कॉपी बनाएंगे जिसमें सबसे पहले आप लोग मीनिंग नोट करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी रहेगा वो हम लिखवाएंगे, उसको नोट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, साइंस का एक अलग कॉपी बना लेना है, फेयर कॉपी, और उसमें मीनिंग नोट करना है। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज में जो भी बताया जाएगा उसको नोट कीजिएगा, और बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में बच्चों, बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप लोग। स्किन मीन्स क्या होता है, त्वचा। कवर्ड मीन्स क्या होता है, ढका हुआ। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, रक्षा करना। जर्म्स मीन्स क्या होता है, रोगाणु। फील मीन्स क्या होता है, जर्म्स कर दीजिए यहाँ पे एस लगा दीजिए, जर्म्स। जर्म्स मीन्स होता है रोगाणु। फील मीन्स क्या होता है, महसूस, क्योंकि जर्म्स रहता है वो अकेला थोड़े ना रहता है। फील, फील मीन्स क्या होता है, महसूस। टच मीन्स क्या होता है, स्पर्श या छूना। स्क्लप मीन्स क्या होता है, खोपड़ी। पैटर्न मीन्स क्या होता है, नमूना। थंब मीन्स क्या होता है, अंगूठा।
फिंगर मीन्स क्या होता है? अंगुली। रॉबर मीन्स क्या होता है? डाकू। स्टील मीन्स क्या होता है? चुराना। और सी मीन्स क्या होता है बच्चों? देखना। सी मीन्स क्या होता है? देखना। सी मीन्स देखना। चलिए कुछ और जो बाकी मीनिंग बच गए हैं उसको देख लेते हैं हम। हाँ चलिए, चलो तो हम लोग अब आगे देखते हैं। एक है अगला मीनिंग हम लिखेंगे 14 नंबर में, टीयर्स। टीयर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? टीयर्स मीन्स होता है आंसू। क्या होता है? आंसू। टीयर्स मीन्स क्या होता है? आंसू। आईब्रो। आईब्रो मीन्स होता है भौं। उसके बाद साइन मीन्स क्या होता है बच्चों? साइन का मीनिंग लिखेंगे SHINE। साइन मीन्स होता है चमक। साइन मीन्स क्या होता है? चमक। आप लोग साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट कीजिएगा, ठीक है? साफ साफ और सुंदर सुंदर अक्षरों में। उसके बाद लिखेंगे सरप्राइज्ड। SURPRICED। सरप्राइज्ड मीन्स होता है क्या? आश्चर्य या आश्चर्यचकित। 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 उसके बाद है ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स क्या होता है बच्चों? सांस लेना। ब्रेथ मीन्स क्या होता है बच्चों? सांस। हाँ तो ब्रेथ मीन्स क्या होता है बच्चों? सांस लेना। सांस लेना, ठीक है? उसके बाद नंबर 18 में आते हैं, नंबर 19 में। नंबर 19 में आते हैं नोस्ट्रिल्स मीन्स होता है नाथून। नथुना। NOSTRIL। नोस्ट्रिल मीन्स होता है ना, नथुना। अगला है नंबर 20 में। नंबर 20 में आप लोग क्या कीजिए? साइंस मीन्स क्या होता है आप लोग को ये पता है? साइंस का ही आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा, SCIENCE। साइंस मीन्स क्या होता है? तो साइंस मीन्स होता है विज्ञान। अभी हम देख रहे थे तो हमें लगा कि साइंस का भी मीनिंग आप लोग को लिखवा देना जरूरी है। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान, ठीक है? तो अभी हम लोग कौन कौन सा मीनिंग लिखे हैं? टीयर्स, TEARS। टीयर्स मीन्स क्या होता है? आंसू। आईब्रो, EYEBRO। आईब्रो मीन्स क्या होता है? भौं। साइन, SHINE। साइन मीन्स क्या होता है? चमक। सरप्राइज्ड, SURPRISED। सरप्राइज मीन्स होता है क्या? SURPRISED। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित। उसके बाद है ब्रेथ, BREATH। ब्रेथ मीन्स होता है सांस लेना। नोस्ट्रिल्स मीन्स होता है नथुना, NOSTRIL। नोस्ट्रिल्स मीन्स होता है नथुना। साइंस का मीनिंग एक बार फिर लिखवा दिए हैं। साइंस का मीनिंग क्या होता है? SCIENCE। साइंस मीन्स क्या होता है बच्चों? विज्ञान। तो आप लोग कल क्या याद करके, कल आप लोग इसी को साफ साफ लिखकर और याद करके आइएगा। तो होमवर्क में आप लोग को रह जाएगा साइंस में एक्सरसाइज 1 का मीनिंग मेक और मेमो करना है, ठीक है? क्या करना है? मेक एंड मेमो। एक बार फिर से रिपीट करें बच्चों, आप लोग का साइंस का फेयर कॉपी बना लेना है, ठीक है? एक नया कॉपी ले लेना है और उसमें साइंस का सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज 1 लिखेगा। उसके बाद उसमें हम जितना भी एक्सरसाइज 1 में मीनिंग होगा उतना हम आप लोग को लिखा देंगे। आप लोग सबसे पहले मीनिंग नोट कीजिएगा, उसके बाद में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर या ट्रू फॉल्स जो भी रहेगा उसको नोट कीजिएगा। और सभी बच्चे साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ बनाएंगे इसको, ठीक है? मीनिंग आप लोग को 20 ए हो गया है और SST में भी आप लोग का 10 मीनिंग हो चुका था, तो टोटल 30 मीनिंग हो चुके थे। हालांकि कुछ कुछ मीनिंग आप लोग को याद होगा, ठीक है? कुछ कुछ मीनिंग याद भी होगा, तो इसलिए आप लोग को मीनिंग हर हाल में आप लोग याद ही कर लीजिएगा। मीनिंग याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है और फिर साफ साफ लिख कर हमारे पास भेज देना है ग्रुप में, ठीक है? और सभी बच्चे होमवर्क करेंगे। कुछ बच्चे होमवर्क करते हैं और कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, इसलिए जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं वे भी बच्चे होमवर्क करना स्टार्ट कर दें। ओके ओके बच्चों।